ओम सभी को सुप्रभातम। योग आयुर्वेद स्वदेशी अध्यात्म त्याग सेवा समर्पण विद्या का महातीर्थ ये पतंजलि योगपीठ हरिद्वार और उस पावन तीर्थ के मुकुटमणि कोहिनूर कुलाधिपति श्रद्धे स्वामी जी महाराज के पावन चरणों में हम सभी शिष्यगणों का कोटि कोटि प्रणाम। ये 7 दिवसीय शिविर अब समापन की ओर आगे बढ़ रहा है। वैसे पूरे देश भर में आजकल चाहे पतंजलि योगपीठ में शिविर हो या बाहर शिविर हो, 5 दिन के शिविर रखे जाते हैं, लेकिन आप सबके ऊपर श्रद्धे स्वामी जी महाराज की अनन्य कृपा है, इसलिए 7 दिन का शिविर रखा आपके लिए। और ये 7 दिन कब बीत गए आपको पता भी नहीं चला होगा, कल इसका समापन है। कुछ भाई बहन जो अपने सांसारिक व्यस्तताओं के कारण यहाँ आ भी नहीं पाए, वो भी सुबह 5 बजे आस्था के माध्यम से आप सबके साथ सम्मिलित होते हैं। और आप सबको ये देख करके बहुत शकुन मिल रहा होगा कि जो कुछ भी आपने अपने नेक कमाई का अंश एक पुण्य के बीज के रूप में बोया था, आज उनकी फसल पूरे देश में कैसे लहला रही है। जो पतंजलि की विजय पताका आज चहुदिशी में फहरा रही है, उसके ऊपर आप सबके हस्ताक्षर हुए हैं। जो करोड़ों लोगों को आज खुशियां मिली हैं, उनके जीवन को एक नई दिशा मिली है, उस खुशी में आपके हस्ताक्षर हो रखे हैं और वो अविस्मरणीय रहेंगे। लेकिन मेरा आपसे एक विनम्र आग्रह है, इस हवन की, इस अग्नि को, यज्ञ की इस अग्नि को ऐसे ही जला के रखना, वो मंद नहीं होनी चाहिए। तो फिर इस यज्ञ से उठने वाली सुगंध पूरे भारत को नहीं बल्कि पूरी धरती को सुवासित कर देगी। और हवन की अग्नि तभी जलती रहती है जब उसमें हम आहुति डालते रहते हैं। इस बात का समर्थन हमारे शास्त्रों ने भी किया। वैसे हम क्या दे सकते हैं और किसको दे सकते हैं, सब भगवान का दिया हुआ है। और श्रद्धे स्वामी जी महाराज ने और इस पावन तीर्थ ने तो स्वयं इस भारत को नहीं बल्कि पूरी धरती को इतना दिया है कि सदियों सदियों तक हम सब इनके ऋणी रहेंगे। लेकिन फिर भी इस यज्ञ की अग्नि को जला हुआ प्रज्वलित रखने के लिए शास्त्र कहते हैं श्रद्धया देयम, श्रद्धा पूर्वक शुभ कर्मों में दान देना। और कभी श्रद्धा भी डगमगाने लगे, ऐसे लगे अभी तो बहुत हो गया है, बस मैंने तो दे दिया एक बार, तो उन्होंने कहा अश्रद्धया देयम, अश्रद्धा से भी देना लेकिन देना। अश्रद्धा से भी देने की इच्छा ना हो तो श्रिया देयम, आपके पास स्त्री है, भगवान की दी हुई संपत्ति है और वो आपको किसी ने दी है, इसलिए आपका भी फर्ज बनता है देने के लिए, इसलिए संपत्तिवान होकर के देना। उसमें भी इच्छा ना करे तो श्रिया देयम, लोक लाज के कारण देना। लोग क्या कहेंगे, इतना सारा लेके बैठे हैं, देते कुछ भी नहीं है, कंजूस हैं। लोक लाज भी प्रभाव ना डाले तो भिया देयम, क्या का मतलब है, डर के कारण देना, यदि हमने नहीं दिया तो वो हमारे से छीन लिया जाएगा। तो श्रद्धया देयम, अश्रद्धया देयम, श्रिया देयम, हिया देयम, भिया देयम, संविदा देयम, समझदारी पूर्वक जान करके देना है कि मुझे देना ही चाहिए, यही मेरी पुण्य कमाई है, आगे के परलोक की कमाई है, जैसे भी दें लेकिन इसको देना। तो आप सभी तो पहले ही आपको प्रेरित करने की आवश्यकता नहीं है, आप हमारे बहुत ही श्रद्धेय हैं। और इस स्थान की पवित्रता, कई बार मैं सोचती हूँ कि एक ही किसी ऋषि के, संत के, योगी के तप से वो स्थान पावन धाम बन जाता है, लेकिन इस स्थान की पावनता, दिव्यता, क्योंकि यहाँ दो दो संतों का, दो दो महापुरुषों का तप फलीभूत हो रहा है, इसलिए इस स्थान की दिव्यता दुगनी नहीं बल्कि एक और एक मिलकर के 11 गुनी हो गई है। कई बार आपको पता नहीं चलता होगा कि यहाँ आकर के इतना शकुन मिलता है, लेकिन उसके पीछे क्या कारण, यहाँ आके बहुत अच्छा लगता है, घर में इतनी चिंता होती है, यहाँ आकर के ऐसी दिव्यता में जीते हैं। उसका कारण यही है कि यहाँ के एक एक कण कण में, एक एक क्षण में यहाँ आपको दो महापुरुषों के तप का, त्याग का, पुरुषार्थ का, उनकी दिव्यता का एक जाने अनजाने में एहसास होता रहता है। तो आइए प्रतिदिन की भांति आज भी इस दीप को प्रज्वलित करने के लिए हम आमंत्रित करते हैं
श्री भगवानी देवी जी पटियाला से जो हमारे संरक्षक सदस्य हैं और श्री रामस्वरूप जी, श्री राम कुमार जी गुड़गांव से आजीवन सदस्य बन रहे हैं आज, और उनके साथ श्रीमती रमा जी, निर्मला मोटवानी जी पुणे से फाउंडर मेंबर, और कुमारी धनी शाही जी आज ये भी फाउंडर मेंबर बन रही हैं। बहुत बहुत अभिनंदन है इन सभी हमारे दानदाताओं का। श्रीमती सरोज सेठी जी देहरादून से आजीवन सदस्य बनने के लिए आई हैं आज, आशीर्वाद लेंगी। श्री ओपी चावला जी और श्रीमती संतोष चावला जी दिल्ली से आजीवन सदस्य बन रही हैं। रोहतास कुमार गुप्ता जी जींद से और नंद किशोर जी जींद से आप भी आजीवन सदस्य हैं। श्री देवेंद्र आहूजा जी और श्रीमती देवेंद्र आहूजा जी फगवाड़ा से आप भी हमारे आजीवन सदस्य हैं। श्रीमती इंदिरा देवी जी जालंधर से और श्री हरीश कुमार जी जालंधर से आप भी आजीवन सदस्य हैं। श्रीमती महालक्ष्मी जी काठमांडू से और श्रीमती विजया जी कोलकाता से आप भी आजीवन सदस्य हैं। श्री हरी सुमन जी सोलन से आप हमारे संरक्षक सदस्य हैं। श्री प्रेम प्रकाश जी आप भी नांगल से हमारे आजीवन सदस्य हैं। आपकी तरफ से यदि अभिनंदन हो जाए तो इनका सम्मान हो जाएगा, आपका एक्यूप्रेशर हो जाएगा। श्री शशि कुमार जी हिसार से आप भी आजीवन सदस्य हैं। श्रीमती रीता चोपड़ा जी फरीदाबाद से आप भी आजीवन सदस्य हैं। बहन श्यामलता जी वृंदावन से संरक्षक सदस्य हैं। और श्रीमती संतोष जी मेरठ से आप भी आजीवन सदस्य हैं। श्री सुशील जी मेरठ से संरक्षक सदस्य हैं। और दीपा कौशिक जी मुजफ्फरनगर से आप भी आजीवन सदस्य हैं। श्री चंद्रकांत वैजनाथ जी नांदेड़ से महाराष्ट्र से आप भी फाउंडर मेंबर हैं। पिछले 5 दिनों से आज छठा दिन है। श्रद्धेय स्वामी जी महाराज ने सुबह शाम ढाई ढाई घंटे लगा करके 5 घंटे आपकी सेवा में समर्पित किए हैं, और 5 घंटे में से रोज की 5-5 बातें भी यदि याद रहें तो अभी 25-30 बातें हो गई हैं। तो आप इनको दूसरों को भी यदि बताएंगे और स्वयं भी इस पे विशेष चिंतन मनन करेंगे तो ये बहुत बड़ा इस शिविर का प्रतिफल हमारे समक्ष उपस्थित होगा। और आप जिस सच्चाई में अभी जी रहे हैं उसको थोड़ा महसूस करके देखिए। प्रातःकाल का ब्रह्म मुहूर्त का समय हो, गंगा का किनारा हो, उसके नज़दीक कोई ऐसा पवित्र पावन धाम हो जो किसी ऋषि की संत की तपस्या से, उसकी सेवा से, पुरुषार्थ से निर्मित की गई हो, और उस आश्रम में हम बैठे हों, ऐसे संत के चरणों में बैठे हों, ऐसे ऋषि के चरणों में साक्षात बैठ करके प्राण विद्या सीखने के लिए, अध्यात्म विद्या सीखने के लिए, मधु विद्या सीखने के लिए हम उपस्थित हों, तो इससे बड़ा स्वर्ग इस धरती पर और कोई हो नहीं सकता है। और आप उस स्वर्ग में बैठे हुए हैं, तो आइए इस स्वर्ग का एहसास करते हुए पूरे एकाग्र चित्त होकर के, प्रशांत चित्त होकर के, प्रसन्न चित्त होकर के ये मधु विद्या, ये योग विद्या, प्राण विद्या सीखने के लिए चलते हैं श्रद्धेय स्वामी जी महाराज के पावन चरणों में। ओम। बहुत बहुत आशीर्वाद।